हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं मयंक तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्त शेयर करना है, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोगों का ये सेशन है आपका राजस्थान पटवारी, ठीक। राजस्थान पटवारी पर बेस हम लोग जो है क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लीज़ कमेंट फास्ट। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा सभी लोग। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपके पास जैसे लिखा हुआ है 4² (2+3) - 11, ठीक है ना, ये आपके पास लिखा हुआ है। इसको आप बड़े ब्रैकेट में आप ऐसे करके बंद कर दो, ठीक। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो है छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आपका मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले ये आपका छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो आपका कितना लिखा हुआ है, 2+3 लिखा हुआ है, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 5, समझिएगा 16 × 5 - 11, 16 × 5 - का कितना हो गया दोस्त आपका, 11 हो गया। बताइए ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है बेटा, तो आप देखोगे कि 16 × 5 आपका कितना होता है, 80 होता है, -11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि आपका ई एक ऑप्शन लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आ गया, 69 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बताइए जी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। इन केस अगर आपके ऑप्शन गलत होते हैं तो उसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन मिस टाइप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त है, एक बार ट्राई करिएगा इसका आंसर, बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए और बताइए आंसर इसका क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्त। ट्राई, कितने वर्षों में? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में बेटा ब्याज का आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, PRT/100 भी इसी को कहते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो बेटा दोगुनी यानी कि प्रिंसिपल आपका अगर एक हो तो अमाउंट कितना हो जाए आपका, 2 हो जाए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, आपको 1 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए यही फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ, सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 हो गया, प्रिंसिपल आपका बेटा 1 हो गया, ठीक है। टाइम आपको 10% दिया गया है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है, टाइम आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 चला गया आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई आपकी 10 वर्ष। बताइए बात क्लियर है दोस्त, कितना आ गया आपका, 10 ईयर आ गया आपका। बताइए जी बात क्लियर है? ठीक, अगर ये बात क्लियर है बेटा तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ट्राई करिएगा इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है, हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, आपसे ये कहा गया। एक बार ट्राई करिए और आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा बेटा। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च करता है, ठीक। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है,
तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, आपसे ये कह रहा है। जल्दी से आंसर बताइए एक बार, क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बेटा देखो, हरी ने क्या किया, एक पुरानी कार खरीदी, इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का क्या करता है, लाभ कमाता है। एक बात समझिएगा, 16% अगर आपकी कार की कॉस्ट बेटा 100% थी, आपका सीपी था, तो प्लस आपकी कॉस्ट प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 16% हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया आपका दोस्त, 16% आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 116% हो जाएगा। बताइए हाँ या ना, 116% हो जाएगा। अगर ये आपका 116% हो गया एसपी आपका, तो इस 116% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5,800 रुपये हो जाएगी, 58,000। 58 × 116%, 2% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1,000 रुपये हो गई। अगर 2% की वैल्यू बेटा 1,000, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी, 50 से इसमें गुणा किया, तो 50 से मैं इसमें गुणा करूँगा, आपका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। अब लेकिन ये तो आपका सीपी आया, एक बात समझिएगा, लेकिन उसने 3,000 रुपये आपका मरम्मत पर भी तो खर्च किया था, तो माइनस 3,000 मैं इसमें से करूंगा, आपका कितना आएगा, 47,000। यानी कि उसने कार तो 47,000 में खरीदी थी, 3,000 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए और 50,000 रुपये की कार पड़ी उसको, ठीक है, फिर उसने उस पर 16% का लाभ कमाकर 58,000 का उसको बेच दिया। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल है, किसी संख्या का बेटा, किसी संख्या आप x मान लो, x का कितना हो जाएगा आपका, ठीक, x का 25/3 बेटा, परसेंट का मतलब होता है, परसेंटेज के साइन की वैल्यू होती है 1/100, ये है आपका 150। बताइए बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं अगर करूं 25 × आपका 150, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6 × 3 = 18, आगे 2 जीरो चिपका दो आप, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1,800 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है? ठीक है, अगर बेटा ये बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो और आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है, मैं अगर इसको ऐड करूंगा बेटा, तो 5 पॉइंट, आप 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते चलो, 150.03 हो गया आपका, फिर आप लिखोगे 40.00, फिर आप लिखोगे माइनस का
30.50, ठीक है, बताइए बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो पहला आप एक काम ऐसा करो, पहले ये ऐड करने वाला आप ऐड कर लो। तो बेटा 3 2 5 हो गया आपका, सॉरी 2 ही है आपका, ये आपका 2 अलग है। फिर आपका 3 3 6 हो गया इधर, ये हो गया आपका 0 पॉइंट। बेटा ये हो गया आपका 5, ठीक, 5 4 9 और आपका 1, 195। अब आप इसमें से 30 माइनस कर दो, 0.50 माइनस कर दो आप। बेटा 2 हो गया आपका, ये हो गया 6 आपका, 10 में से 5 गया बचा 5, 4 में से 0 गया आपका 4 बचा, 9 में से 3 गया बचा आपका 6 1, 164.562 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 164.562 आपका आंसर हो जाएगा, बताइए बात क्लियर है? ठीक, अब इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा, डिजिटल मेथड से। बेटा देखिए कैसे मैं सॉल्व करूंगा, अब मैं अगर आपको समझाऊं, लिखा हुआ है आपका 5.032 प्लस का 150.03 प्लस का 40.00 माइनस का 30.50, ये हो गया आपका। अब अगर मैं बात करूं आपसे डिजिटल सम, डिजिटल सम बेटा क्या होता है, ऐड करो और एक नंबर निकालो। तो जैसे 5 3 8 2 10, 10 का डिजिटल सम हो गया, 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी कि आपका 1, 5 1 6 6 3 9, और डिजिटल सम में 9 की वैल्यू होती है दोस्त आपकी 0, ठीक है। तो अगर 0 हो गया तो आप इसको पूरा कट कर दो, ये हो गया आपका 4, 40 लिखा हुआ है तो 40 का डिजिटल सम हो गया 4, माइनस का 5 3 8 हो गया आपका, बात क्लियर है? ठीक, तो 4 1 5 यहाँ से बेटा माइनस का 3 रिजल्ट निकल आया। जब निगेटिव आए तो उसको माइनस 9 से एक बार माइनस कर दो, कितना आएगा 6 आपका। आप देखिएगा जो हमारा आंसर निकला है उसका भी डिजिटल सम आपका 6 होगा, 164.562, ठीक है। तो देखिए 6 4 10 11 11 6 आपका 17 17 2 आपका 19 19 5 24, और 24 का मतलब आपका कितना होता है, 4 2 6 होता है, समझ गए? जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही आपका आंसर का भी डिजिटल सम होगा, बताइए बात क्लियर है सभी को? ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग बेटा क्या हो जाएगा, ट्राई करो एक बार, ट्राई करिएगा एक बार क्या होगा आंसर। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। एक बॉक्स में 286 पेंसिलों को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित करना है, पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा बेटा। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, देखिएगा सभी लोग बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले आपको जैसे अनुपात दिया गया है 1/2 1/3 1/4, तो आप इसको रेशियो में, एक डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो आप 4 3 12 आपका एलसीएम होगा, 12 से आप इसमें सब में गुणा कर दो। रुकिएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यह आपका 12 हो गया, यह आपका 12 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, ये हो गया बेटा आपका 6, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। तो 4 3 7 6 कितना हो गया आपका
13 हो गया और 13 की वैल्यू 286 हो गई आपकी। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 2 26, 13 2 26। पूछ रहा है पेंसिलों की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि बेटा पहले वाले बच्चे को, तो 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। 6 की वैल्यू नहीं हो जाएगी, 6 2 12 2 हासिल एक, 6 2 12 1 13, 132 बेटा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए बात क्लियर है सभी को, सभी को बात क्लियर हो तो बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि क्या होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएं बच्चे क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कह रहा है वैरायटी ऑफ शेक्स एंड अदर हेल्थ ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन अ कियोस्क, 85% ऑफ कियोस्क सेल कम फ्रॉम शेक सेल्स। क्या है कियोस्क की जो 85% बिक्री है वो आपकी शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की कीमत बेटा कितनी है आपकी, 1,50,000 रुपये होती है। ठीक, अब क्या है शेक की अगर प्रत्येक महीने में कीमत आपकी 1,50,000 होती है बेटा तिमाही में, तो एक महीने की आपकी कितनी होगी, 50,000 होगी। अब क्या कह रहा है प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1,50,000 है शेक को छोड़कर। ठीक है, अन्य स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमत औसत मासिक बिक्री कितनी है, तो बेटा ये आपकी 85% आप खत्म कर दो, 85% तो शेक से आ जाएगी, तो 50,000 का 15% आपका किससे आएगा, बाकी के प्रोडक्ट से आएगा, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया। आगे करते हैं हम लोग, 15 5 75 हो गया आपका, 00 आ गया आप लगा दो, 7500 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बताइए बेटा बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, बताइए जी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर बच्चे बात क्लियर हो गई तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएं कि क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपए में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। तो बेटा 1525 में आपने खरीदी और 12% लाभ, यानी कि आपका कितना हो गया, 112 हो गया, बटे आपका 100। ठीक है, आप जब कट करोगे तो 25 6 100 हो गया आपका, इधर कट करोगे तो 25 6 150 बचा आपका 2 25 1 9 25 हो गया, 4 से मैंने इसको कट किया तो बेटा देखिए 4 2 8 बचा 4 8 32। ठीक, 8 1 9 8 हो गया आपका यूनिट डिजिट, आपका 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1708 वाले में, 1708 वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है,
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये तो मतलब क्लियर हो गया ना, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या बेटा कह रहा है, नव्या और काव्या की आयु का योग आपका 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल आपका कितना है 300 है। आयु का योग बेटा 35 वर्ष है, ठीक, नव्या और काव्या, नव्या प्लस काव्या। अगर मैं कुछ ऐसा मानूं अपने मन से कि एक की एज 20 है और दूसरे की एज 15 है, तो बेटा 20 15 35 हो रहा है और इनका गुणनफल भी आपका 300 हो रहा है। एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो बेटा एक वर्ष बाद ये 21 के हो जाएंगे, ये आपकी 16 के हो जाएंगे, 21 अनुपात 16 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ट्राई करिए अगले क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन 40 - 2 12 + 13 / 5 × 3 - 5 × 2 + 19, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बेटा सबसे पहले ये आपका सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 - 2, कोई ये मत करना 40 - 2 38, ठीक है। देखिए 12 + 13 / 5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2.6 हो गया, बात क्लियर है, 2.6 हो गया 13 / 5, ठीक है। अब इंटू आपका 3 माइनस का 5 × 2 आपका 10 प्लस का 19 हो गया आपका, अगेन 40 - 2 बेटा 12 प्लस का 18 का 8 हासिल आपका 1 6, ये आपका 78 आ जाएगा, 7.8 माइनस का 10 प्लस का 19 हो गया आपका, जो हो गया 12 × 7 = 19.8 - 10 गया बेटा, तो बचा आपका कितना 9.8। 40 - 9.8 × आपका बेटा कितना हो गया आपका 2 करेंगे, तो देखिए 9.8 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 16 = 6 हासिल ले, दोनों 18 = 19, 19.6 आ गया आपका, 19.6 प्लस का 19, ठीक है, ये आपका हो गया कितना बेटा, ये हो गया आपका 59 - 19.6 करेंगे बेटा, ये आपका 10 में से 6 गया बचा 4, 18 में से 9 गया बचा 9 आपका, ये आ गया 3, 39.4 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है दोस्त, कितना आंसर आ जाएगा, 39.4 विल बी योर राइट आंसर। बताइए जी बात क्लियर है सभी को, अगर ये बात क्लियर है बेटा सभी को तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएगा कि क्या हो जाएगा, ठीक है। ए बी एंड सी आर थ्री ब्रदर्स, एज एज इज इक्वल टू द बी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द थ्री ब्रदर्स इज 5 times द एजेस ऑफ सी, 3 years ago एज एज वॉज 3 times दैट ऑफ सीज एज, वॉट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 4 years फ्रॉम टूडे। ए बी और सी तीन भाई हैं, ए की आयु बी के बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। तीनों भाइयों की आयु का योग आपका क्या है बेटा, सी के बराबर है, ठीक। अब कह रहा है आपसे तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है, तो सीधा सा पहला सा कंसेप्ट आ गया आपका, देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका क्या है, सी 5 है, बात क्लियर है। अब कह रहा है लेकिन ए की आयु बी के बराबर है, तो बेटा ए की जगह बी रख दो आप, तो कितना हो जाएगा आपका, ये ए की आयु के सी की आयु के 3 गुने, तो बेटा बी की जगह हम ए रखेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा
ये आ गया आपका 2a प्लस का 2a बराबर आपका 4c आ गया। तो a अपॉन c इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 4 बाई 2, यानी कि आपका कितना 1 बाई 2 आ गया। बताइए जी हाँ या ना, बोलो जी हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ए तीनों भाइयों की आयु का योग आपका सी की आयु का 5 गुना है, ठीक है 5 गुना हो गया आपका। 3 वर्ष पहले ए की आयु, अच्छा सी की आयु की क्या थी, इतनी थी, ठीक है अच्छी बात है। आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभी। तो बेटा ये आपका हो गया प्रेजेंट एज आपकी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि सपोज दैट आपका ए की एज कितनी है, आपकी 1 है, सी की एज आपकी कितनी है, 2 है, तो आपकी जो है बी की एज भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आपसे कहा गया है कि ए की आयु जो है बी की आयु के बराबर है। बोलो जी हाँ या ना। तो 2 1 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, बात क्लियर है। अब आज से 4 वर्ष बाद, तो बेटा एक्स प्लस आपका 2x हो गया, ठीक। आपसे क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, तो बेटा 3 वर्ष पहले यानी कि आपका x माइनस 3 ये हो गया आपका 2x माइनस 3, ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना, ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, तो ये बेटा 3 गुना था, तो मैंने 3 से इधर गुना कर दिया, ये कर दिया मैंने, बराबर कितना आ जाएगा x माइनस 3 बराबर आपका 6x माइनस का 9, ये इधर चला गया आपका कितना आ गया माइनस का 4x, माइनस का 4x बराबर आपका माइनस का 6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 3/2 यानी कि 1.5, बात क्लियर है। 4 वर्ष बाद आपका कितना हो जाएगा आपका भाई, 4 वर्ष बाद आपका कितना आ जाएगा, c की पूछी गई, अच्छा जी c की पूछी गई यानी कि आपका 4c कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका c की है 5 गुना, c की है आपकी 2x, तो बेटा हो गया 3, बात क्लियर है 3। अब देखो 3 से मल्टीपल जो भी होगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 3 से मल्टीपल आपका क्या आंसर है 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है, आगे सॉल्व करोगे फालतू का लेंथ ही होगा। आगे देखिए एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3 4 5 है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल सा है 3 4 5, तो बेटा 5 4 9 3 12 12 की वैल्यू आपकी 180, 1 की वैल्यू आपकी 15, 3 की वैल्यू आपकी 45, फिर 4 की वैल्यू आपकी 60 और 15 25 75 हो गया आपका, 40 60 और 75 जहाँ पर होगा वही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपये का भुगतान एवं 1 हफ्ते अवकाश मिलना था, उसने केवल 5 सप्ताह काम किया और उसके लिए उसे 50 रुपये का भुगतान एवं 1 मुफ्त अवकाश मिला, अवकाश का मूल्य कितना है, जल्दी से बता दो कमेंट करके, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको क्या दे देता हूँ, HW दे देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको क्या दे देता हूँ, HW दे देता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा और आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग डेली जुड़िए, सेशन आपका 4 बजे होता है, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।